स्टैंडर्ड 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेंशन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे एंड इट्स प्रॉपर्टीज एस एंड यूजेस। तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है, प्रॉपर्टी एंड यूजेस। कल हमने क्या पढ़ा था, कैथोड रे के बारे में पढ़ा था। तो कैथोड रे का प्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टी, कैथोड रे में यूजेस नहीं दे, और लेकिन आज एक्सरे, एक्सरे में तो हमको यूजेस भी पढ़नी है। तो यूजेस, और तो यूजेस की बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन से। ऑन फिलिंग अप अ गैस एट वेरी लो प्रेशर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड पासिंग इलेक्ट्रिक करंट विथ हाई वोल्टेज, साइंटिस्ट रोंजन इन, अगर एग्जाम में पूछे कि एक्सरे किसने फाइंड किया, तो रोंजन। ऑन फिलिंग अप गैस एट वेरी लो प्रेशर इन डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस रखा एट वेरी लो टेम्परेचर, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस रखा एट वेरी लो प्रेशर एंड पासिंग इलेक्ट्रिक करंट विथ हाई वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट पास किया लेकिन वोल्टेज कितना दिया था तब, हाई वोल्टेज। साइंटिस्ट रोंजन इन 1896 जनरेटेड कैथोड रे, तो रोंजन ने पहले जनरेट किए थे कैथोड। व्हेन दिस रे वर अलाउड टू फॉल ऑन द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, जब ये जो रे कैथोड रे जो थे वो, जब रे अलाउ, किस पे अलाउ किया, वॉल पे, किसकी वॉल पे, डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे फॉल किया, तो क्या हुआ, दे गॉट अ रिफ्लेक्टेड टू गिव अ राइज टू सम न्यूअर टाइप ऑफ रे। जो ये कैथोड रे जनरेट हो रहे थे वही कैथोड रे को जब डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे हमने फॉल किया, तो वॉल से रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ नए टाइप से रे आपको दिखे। ये जो नए टाइप के जो रे, दिस अननोन रेज वर नेम एज अ एक्सरे बाय रोंजन। अगेन, ऑन फिलिंग अप गैस एट अ वेरी लो प्रेशर इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड पासिंग इलेक्ट्रिक करंट विथ हाई वोल्टेज, साइंटिस्ट रोंजन इन 1896 जनरेटेड कैथोड रे। तो पहले कैथोड रे, व्हेन दिस रे वर अलाउड टू फॉल ऑन द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, यही वॉल को जब डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे फॉल किया, तो दे गॉट अ रिफ्लेक्टेड टू गिव राइज टू सम न्यू टाइप ऑफ रे, जिसको ही हमने नाम दिया एक्सरे। और ये नाम किसने दिया, रोंजन। ये नाम किसने दिया, रोंजन। ये हो गए प्रोडक्शन की बात। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी। एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। तो प्रॉपर्टी क्या है, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी जिसके अंदर रहती है उसको हम बोलते हैं एक्सरे। तो एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। सेकंड, दिस रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन लाइक अ रे ऑफ लाइट, ये जो रे है वो स्ट्रेट लाइन के जैसे ही, दिस रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं। दे आर नॉट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डिवाइडेड नहीं होते। दिस रे कुड पेंट्रेट थ्रू अ अपैक मटेरियल लाइक ब्लैक पेपर। ओके, तो ब्लैक पेपर से ये पेंट्रेट होता है, फिर दिस रे अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे ये इफेक्ट करता है। फिर यू जस्ट टू लोकेट इवन अ स्मॉल बोन फ्रैक्चर, अगर बोन फ्रैक्चर कहीं भी जगह, आपने सुना होगा कि जब भी आपका हाथ या पैर फ्रैक्चर होता है तो आपको बोलते हैं कि एक्सरे करवा लो, एक्सरे से पता चल जाएगा। तो एक्सरे में देखा होगा आपने कि जो बीच में जहाँ पे फ्रैक्चर देखा है ना, फ्रैक्चर जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे डॉट जैसा या ब्लैक जैसा या व्हाइट जैसा कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो टू लोकेट इवन अ स्मॉल बोन फ्रैक्चर, तो स्मॉल बोन फ्रैक्चर भी अगर हुआ होगा तो इससे आप लोकेट कर सकते हो। टू चेक द डिफेक्टेड इन लंग्स, क्या लंग्स के अंदर अगर कुछ डिफेक्ट हुई है तो वो भी आप इससे चेक कर सकते हो। टू डायग्नोज द बॉडी डिफेक्ट, टू डायग्नोज द बॉडी डिफेक्ट, तो बॉडी डिफेक्ट को डायग्नोज। टू फाइंड आउट द डिफेक्ट इन द जॉइंट ऑफ मटेरियल इन इंडस्ट्री, क्या मटेरियल जो है उनके अंदर, इंडस्ट्री में जो मेटल्स हैं उसके अंदर जो जॉइंट्स हैं उसमें डिफेक्ट अगर हुई है तो उसके लिए भी मिस एक्सरे जहाँ जहाँ यूज होगा ना, कुछ कहीं भी कुछ भी चीज में अगर डिफेक्ट हुई होगी तो आपको एक्सरे से पता चल जाएगा। फिफ्थ, टू नो द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन क्रिस्टल, तो क्रिस्टल के अंदर आपको एटम की अगर अरेंजमेंट को फाइंड करना है तो वो आप इससे कर सकते हो। सिक्स, टू डिटेक्ट कैंसर इन ओसियोफेगस, ओसियोफेगस ये हमको पढ़ना है किसमें, ओसियोफेगस ये आपको डाइजेस्ट सिस्टम वो आएगा ना उसमें हम पढ़ेंगे ये ओसियोफेगस।
तो मीन्स एक्सरे किसी भी चीज में अगर कैंसर है, किसी भी चीज में डिफेक्ट है, या किसी भी चीज को आपको लोकेट करना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक्सरे रहेगा। फर्स्ट क्या है कि एक रॉन्जन ने पहले कैथोड रे फाइंड किए थे। तो ये जो कैथोड रे जो थे वो एक उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। वो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया उन्होंने कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये कैथोड रे को पास किया उसकी वॉल पे। तो उनके वॉल पे जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट वापस आ रही थी ना, वो ही लाइट जो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आ रही थी, उसको उन्होंने नाम दे दिया क्या, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कैथोड की जैसी नहीं थी, अलग थी, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया एक्सरे। और प्रॉपर्टी क्या क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फिर वो डिवाइडेड नहीं होते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, फिर वो पेनिट्रेट होते हैं ब्लैक पेपर पे, और वो अगर फोटोग्राफिक प्लेट अगर आप बीच में ले आते हो तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर वो इफेक्ट भी करते हैं। तो ये सब हो गई प्रॉपर्टी, किसकी, एक्सरे की प्रॉपर्टी हो गई।